हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज बिजलानी फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, जिस तरह से स्पेकुलेशन चल रहा है या जो मैं समझ पा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की 325 सीट्स आ सकती हैं। 300 से 350 आप बोल सकते हैं ऑन एन एवरेज। मुझे ऐसा लग रहा है 325 सीट आ सकती हैं। इस बार भी 300 पार होने वाला है। 400 पार तो आई थिंक थोड़ा टफ लग रहा है, बट जिस हिसाब से मार्केट रिएक्ट कर रहा है, जिस हिसाब से कम्योडिटीज गई हैं एक लेवल पे, आई थिंक इस बार भी बीजेपी की सत्ता रिपीट हो सकती है। उसका मुझे अपडेट ऐसे लग रहा है क्योंकि जिस हिसाब से अदानी ग्रुप के स्टॉक्स भागे हैं या निफ्टी जिस पॉइंट पे आके रुका हुआ है, एकदम से चुनाव के नतीजे आएंगे तो हो सकता है निफ्टी शूट अप करे, बट ऐसा लग रहा है कि 300+ सीटें बीजेपी की आ सकती हैं। तो देखते हैं ओवरऑल कहाँ पे अभी मार्केट खड़ा है और क्या सिचुएशन है अभी। तो मैं आपको डायरेक्टली ले आया हूँ निफ्टी के चार्ट पे, जो सबसे पहले निफ्टी को ही देखते हैं कि निफ्टी कहाँ खड़ा है। चुनाव के रिजल्ट जस्ट एक दो दिन के बाद है और निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई के नज़दीक ही खड़ा है। आप देखेंगे ये, अब देखिए निफ्टी का ऑल टाइम हाई है 23,000 और मार्केट खड़ा है 22,500। तो ऐसा कोई मेजर निफ्टी ने करेक्शन नहीं दिखाया है, मतलब नॉमिनल करेक्शन ही है, 500 पॉइंट्स का कोई बड़ा करेक्शन नहीं है। और स्पेशली मैं अडानी ग्रुप के स्टॉक्स देखूँ तो काफ़ी अच्छा उनको बूस्टअप मिला है। आप देखेंगे अडानी ग्रुप के जो स्टॉक्स है, फिर से अडानी इंटरप्राइजेज 3411 पे पहुँच चुका है, अडानी पोर्ट 1400 ऑलमोस्ट हाई पे चल रहा है, उसके बाद अडानी पावर ऑलमोस्ट हाई पे चल रहा है। तो ये सब लिस्ट है जो जो स्टॉक्स अभी बढ़ रहे हैं, मतलब चुनाव के नतीजे आने के जस्ट पहले, तो कहीं ना कहीं जो बड़े प्लेयर्स हैं दे आर अवेयर और मे बी उनको इनसाइड इन स्टोरी पता है, तभी वो इतना पैसा लगा रहे हैं, ऐसा मेरा सोचना है। आप कमेंट करके बताइए व्हाट यू थिंक। अडानी इंटरप्राइजेस का अभी रिसेंट में 6% का जंप आया, अदानी पोर्ट में 4% का जंप आया, और ये सारी कंपनीज है जो बूम कर रही है। इसमें अल्ट्राटेक सीमेंट भी है, इसमें ऑलरेडी यू नो कनेक्टेड विद अदानी, और ये सारे स्टॉक्स हैं जो बढ़ रहे हैं और मार्केट नियर टू हाई है। अगर मैं लास्ट इलेक्शंस की मैं बात करूं, 2019 में ऑलरेडी मार्केट को पता था कि मोदी गवर्नमेंट फिर से आने वाली है, तो एक रैली पहले से ही आ चुकी थी। अगर मैं 2019 में चलते हैं चार्ट्स के माध्यम से, ये मैं निफ्टी के ही चार्ट्स को ओपन किया है, तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कि 2019 में भी अच्छी खासी रैली आई थी। मतलब ये 2019 के चार्ट है। फॉल आया था कोविड में, जब चुनाव वगैरह हो गए थे, चुनाव के एक साल के बाद फॉल आया था। तो ऑलरेडी मार्केट ने 2018 एंडिंग से, मैं अगर बात करूं, देखिए आप देखेंगे 10,000 पे मार्केट था 18 एंडिंग में, तो वो ऑलरेडी पहुंच चुका था, मतलब 20% का ऑलमोस्ट जंप दिया था मार्केट ने 19 में स्टार्टिंग में, 20% बहुत बड़ा जंप होता है। और 2014 में आप देखेंगे तो भी बहुत बड़ा जंप आया था। ये आप देखेंगे 2014 में भी लोगों को पता चल गया था तो मार्केट ने वैसे रिएक्ट किया था, और ये आप देखेंगे 2014 में तो बहुत बड़ा जंप आया था, ऑलमोस्ट 6,000 की रेंज से मार्केट निकल के पहुंच गया था 9,000, 50% की रैली आई थी 2014 में। 2009 में इसका उल्टा हुआ था। 2009 में अगर आप देखेंगे तो मतलब 2009 में भी वैसा ही हुआ था, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट थी 2004 से 2009, और 2009 में भी फिर रैली आई थी, ऑलमोस्ट 4600 पे था निफ्टी, उसके बाद ऑलमोस्ट वहाँ पे भी ऑलमोस्ट 40% की रैली आई थी 2009 में, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट रिपीट की थी। और 2004 में देखेंगे तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से शॉक मिला था मार्केट को, और ये जो आप देख रहे हैं ये शॉक, ये जो सडन फॉल हुआ था, मतलब निफ्टी 2000 पे था और वहाँ से
ऑलमोस्ट 40% का फॉल देखा था निफ्टी ने, 30 से 40%, क्योंकि तब वाजपेयी जी आने वाले थे ऐसा लग रहा था और नहीं आए थे। तो देखिए, अगर ऐसा होता है अभी भी, किसी को पता नहीं किसकी सत्ता आएगी, अगर सपोज बीजेपी को कम सीटें आती हैं 300 से, या बीजेपी बाहर हो जाती है सत्ता बनाने से, तो बहुत बड़ा फॉल आ सकता है 30 से 40% का। और अगर बीजेपी आती है तो कहीं ना कहीं 10-20% का आपको अपसाइड मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग काफ़ी रैली दे चुके हैं पिछले, मैं अगर एक साल से बात करूँ तो बड़ी, काफ़ी बड़ी रैली दे चुके हैं हम लोग। अब देखेंगे 18,000 से 22,000 पे खड़े हैं, ऑलमोस्ट 20-25% की रैली दे चुके हैं। तो ये तो था, मतलब 99 से लेके, मैंने आपको 2004 से लेके अभी तक आपको बताया किस तरह से निफ्टी ने रिएक्ट किया है। अगर सेम गवर्नमेंट आती है जो एक्सपेक्टेड है तो जंप आता है, और अगर नहीं आती है तो फिर बड़ा फॉल भी आता है। तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या होता है एग्जैक्टली। और आप मुझे बताइए, और अभी जो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, क्या आपको इसमें से क्लू मिल रहा है कि पीपल आर बुलिश ऑन दिस गवर्नमेंट, या फिर लोगों को पता है कि यही गवर्नमेंट आने वाली है? आप मुझे बताइए, और आई होप मैं कुछ इंसाइट दे पाया हूँ आपको। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।